हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी को बताया कि 13 अप्रैल को UGC नेट का रिजल्ट आया है और उसमें मेरा नेट का पेपर क्लियर हुआ है। कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे कि जिसका नहीं हुआ है, तो वो परेशान ना हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे, क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल मैं खुद ही देती हूँ आपको कि मैंने लास्ट कई अटेम्प्ट दिए हैं और मेरा कुछ ही पॉइंट से रह जाता था। तो तैयारी तो हम अपनी कंटिन्यू रखें तो बेटर रहेगा कि उसमें बीच में स्किप ना करें। और कुछ भी डाउट्स होते थे या कुछ भी वो था तो मैं कंपटीशन एकेडमी से हेल्प लेती थी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और जैसे कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह के थ्रू और जो भी कंटेंट हमें प्रोवाइड किया जाता था, क्योंकि जो हमारा नेट्स का पेपर होता है उसमें जो सिलेबस वो काफ़ी वाइड है, अगर उसको हम एक मेथड्स के थ्रू या सिस्टमेटिक ढंग से कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, कि बहुत सारी बुक का कलेक्शन करके उसको पढ़ने से। तो इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है कंपटीशन एकेडमी के थ्रू, जो वहाँ पर एक आपको सर मिलेंगे, सा सर हैं जो हमें वहाँ पढ़ाते थे और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करवाते थे। और उसी के थ्रू हम नोट्स के थ्रू नेट के नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है। अगर आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। और साथ में रहता है आपका मोटिवेशन भी, खुद का भी और जो आपको साथ में मोटिवेट करे, कि आप किसी तरह की भी कोई भी पीछे की तरफ मत देखो कि नहीं हुआ, आगे आने वाले टाइम को आप कंटिन्यू नहीं रखो और उसको प्रिपेयर करो। जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे बार बार यही मोटिवेट करते थे कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, कोई कुछ ही पॉइंट से रहता है तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और अब की बार मेरा अच्छे स्कोर से नेट क्लियर हुआ है, तो मैं आपको आपके कुछ डाउट्स रहते होंगे मन में उन्हीं को क्लेरिफाई करते हुए ये चीज़ आपके सामने रख रही हूँ। तो आप इस तरह चीज़ों को स्किप ना करें और कंटिन्यू अपनी बनाए रखें, नेक्स्ट एग्जाम आपका जरूर क्लियर होगा। थैंक यू।